टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर एडीएम रविंद्र कुमार ने आज खुर्जा तहसील का औचक निरीक्षण किया है। एडीएम के खुर्जा पहुंचते ही तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने तहसील में कई पटलों को खंगाला, जिसमें काफी खामियां पाई गई हैं। एडीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि सब ट्रेजरी ऑफिस का निरीक्षण किया गया है, जहां चतुर्श्रेणी की महिला कर्मचारी अमिता सागर 2 महीने से ज्यादा समय से अनुपस्थित पाई गई हैं, जिसकी जांच की जा रही है। एडीएम ये भी जांच करा रहे हैं कि कहीं अनुपस्थिति के बाद भी महिला कर्मचारी को वेतन तो नहीं दिया गया है। एडीएम दावा करते हैं कि यदि जांच में ऐसा कुछ सामने आया तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। एडीएम ने डब्ल्यूपीएन पटल और नायब तहसीलदार कोर्ट का भी निरीक्षण किया। डब्ल्यूपीएन पटल में कुछ खामियां पाई गई हैं, जिसमें सुधार के लिए खुर्जा तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। इन सब के अलावा तहसील में और भी कई खामियां एडीएम को दिखी हैं, जिस पर जांच कराने के बाद एडीएम कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। आज एसडीएम खुर्जा और डिप्टी कलेक्टर मोहनता सिंह के साथ खुर्जा तहसील के कुछ पटलों का औचक निरीक्षण किया गया। सबसे पहले सब ट्रेजरी ऑफिस का इंस्पेक्शन किया गया, जहां उपस्थित पंजिका को देखने से स्पष्ट हुआ कि एक स्टाफ इनकी अमिता सागर पिछले 2 महीने से अधिक टाइम से अनुपस्थित पाई गई हैं। वो अब ये क्लियर करना कि 2 महीने अनुपस्थित उनका वेतन निकला नहीं निकला, ये क्लियर करके अगर वेतन निकला होगा तो उनके खिलाफ भी, जिन्होंने वेतन निकाला होगा, और अनिता सागर दोनों के खिलाफ कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तावित की जाएगी। इसके बाद डब्ल्यूबीएन पटल और नायब तहसीलदार कोर्ट का औचक मुआयना किया गया। डब्ल्यूबीएन पटल में कुछ कमियां पाई गई, जिसको ठीक करने के लिए तहसीलदार खुर्जा को निर्देश दिए गए हैं। एनटी कोर्ट का भी मिशिल बंद का अवलोकन किया गया, जिसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि कई वादों का निस्तारण जो अनकंटेस्टेड हैं, जिनका 45 दिन के भीतर उनका निस्तारण हो जाना चाहिए था, उनका निस्तारण मिशिल बंद रजिस्टर नहीं किया गया है। अब मेरे द्वारा खतौनी भी निकलवाई जा रही है, जिससे स्पष्ट हो सके कि कहीं ऐसा तो नहीं बैकडेटिंग की जा रही है। अगर इन वादों का समय पर निस्तारण नहीं किया गया होगा तो संबंधित पीठासीन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।